अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोसर और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हेल्थ बेनिफिशियल बहुत ही अच्छी खसखस और मखाना खीर। तो देर ना करते हुए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहां 10-15 बादाम लिए हैं, इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया है। यहां 2 टेबल स्पून ही खसखस के दाने लिए हैं, इसको भी ओवरनाइट के लिए हमने भिगा के रखा था। अब ये जब भीग जाएंगे उसके बाद बादाम के छिलके उतार कर और इनका पानी निकाल कर हम एक ब्लेंडर जार में इन दोनों को डालकर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें 1/2 कप दूध भी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। अब हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून घी। हमने यहाँ पर शुद्ध घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब ये हम इस घी में डालेंगे 50 ग्राम के करीब मखाने। इस मखाने को हमको बहुत ही धीमी आंच पर भूनना है क्रिस्पी होने तक, इसको जलाना नहीं है। इसको धीमी आंच पर इस तरह से चलाते हुए भून लें, ये इस तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे हमारे ये मखाने। फिर उसको हम ये कढ़ाई में से निकाल लेंगे। ये सारे मखाने हमने अलग बर्तन में निकाल लिए हैं। अब इसी कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून घी और डालेंगे और जो हमने पेस्ट बना के रखा था खसखस और बादाम का, वो हम इस घी में डालकर उसको भुनेंगे। और जो हमारा जार में थोड़ा सा जो पेस्ट छूट गया है उसमें हम 1/2 कप दूध और ऐड करेंगे और सारा पेस्ट उसमें से इस तरह घुमाकर चलाकर निकाल लेंगे। हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें ये सारा प्रोसेस दूध में ही पूरा करना है। ये हमने सारा पेस्ट अब जार में से निकाल कर कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब हमें धीमी आँच पर इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। याद रहे आपको कि हमें आँच धीमी ही रखना है और उसको लगातार स्टर करना है। अगर हम अपना हाथ रोक लेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। धीमी आँच पर हमें भूनते हुए करीब 2 मिनट हो चुके हैं। इसमें हमें 1 मिनट इसको और भूनना है, इसका पेस्ट थोड़ा थिक हो जाए, इसका थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए। ये 2 से 3 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हमने इसमें फुल फैट मिल्क ऐड किया है। यहाँ पर ये हमारा मिल्क 1 लीटर के करीब है। इसको भी हमें चलाते हुए ही पकाना है, धीमी आंच पर ही पकाना है हमें इसको यहाँ पर। अब जो हमने रोस्ट किए हुए मखाने रखे थे उसे हमें ब्लेंडर जार में 5 से 7 सेकंड के लिए चलाना है। आप चाहें तो आप हाथ से भी इस तरह से दरदरा कर सकते हैं। हमने इसको जार में इस तरह से दरदरा होने तक के पीस लिया है। अब ये हमने यहाँ पर 1/2 कप चीनी ऐड की है जो हमारा दूध उबल रहा था उसमें। इसको आप घुलने तक के अच्छे से चलाएंगे। इसे अब पकते हुए करीब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हम 1 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड किया है और जो हमने मखाने पीस करके रखे थे वो भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अब 2 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से आपको चलाते हुए 2 मिनट के लिए पकाना है। ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, ये बहुत जल्दी ही इसमें दूध में पक जाएंगे और ये जितना ठंडा होता जाएगा ये हमारी खीर उतनी ही गाढ़ी होती जाएगी। ये अब हमारा यहाँ इस स्टेज पे ये हमारी खीर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये हो गई हमारी खीर तैयार। इसको हमने ठंडा कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक सर्विंग बाउल में इसको निकाल रहे हैं। ये खीर हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपके एड़ियों में और पाँव में दर्द होता हो तो इसको खाने से आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर हमने खीर को पिस्ते की कतरन के साथ गार्निश किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्त और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे रेसिपी को 1 लाइक तो ज़रूर दें। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।